दोस्तों खबर बॉलीवुड से है। दोस्तों खबर है कि बॉलीवुड में एक बार फिर से शोक का माहौल है। द लंच बॉक्स और दुर्गामती जैसे फिल्मों के लिए काम करने वाली मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर सहर अली लतीफ का निधन हो गया है। उन्होंने 40 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनका हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। सहर अली लतीफ ने आखिरी सांस मुंबई के लीलावती अस्पताल में ली। उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वह करीब 8 दिनों तक भर्ती थी। वहीं उनके निधन के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में शोक का माहौल है। कई सितारों और निर्माता निर्देशकों ने सहर अली लतीफ के निधन पर शोक प्रकट किया है। वहीं फिल्म द लंच बॉक्स की अभिनेत्री निम्रत कौर ने सोशल मीडिया पर उनके निधन पर दुख जताया है। उनके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। वहीं अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने भी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर सहर अली लतीफ की तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम चली गई हो। वहीं राजकुमार राव ने भी सहर अली लतीफ की तस्वीर साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। वहीं फिल्म द लंच बॉक्स के निर्देशक रितेश बत्रा ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर याद किया है और श्रद्धांजलि दी है। रितेश बत्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। एक दयालु आत्मा और सच्चे दोस्तों के साथ अनुचित विदाई, अलविदा सहर। मुझे आशा है कि एक और पक्ष है। इसके अलावा अंगद बेदी, हर्षवर्धन कपूर, अनुराग कश्यप, सानिया मल्होत्रा, नूरा फतेही और मुकेश छाबड़ा सहित बॉलीवुड के अन्य सितारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए सहर अली लतीफ के निधन पर शोक जताया है। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।